हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विशेष जैकेट दिलाएगा पीपीई किट की गर्मी से निजात। डीआरडीओ और डिफेंस लैब की ओर से फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को उपलब्ध करवाए विशेष जैकेट। कोरोना संक्रमण के बचाव व रोकथाम में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने वाले टेक्नीशियन 40 से 45 डिग्री तापमान में भी पीपीई किट पहनकर घंटों तक रहकर सैंपलिंग कर रहे हैं। अब इन कोरोना योद्धाओं के लिए राहत की खबर है कि डीआरडीओ जोधपुर की ओर से तैयार किए विशेष जैकेट दिए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मन्ना ने बताया कि डीआरडीओ जोधपुर की ओर से पहले चरण में शहर में तैनात 10 सैंपलिंग टीमों को विशेष जैकेट दिए गए हैं। लैब टेक्नीशियन को डिफेंस लैब डीआरडीओ के माध्यम से विशेष रूप से तैयार किए गए ये जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। इन जैकेट को पहनने के बाद उन्हें गर्मी के मौसम में पीपीई किट पहनकर काम करने में राहत का एहसास होगा। कोरोना की टेस्टिंग के दौरान लैब टेक्नीशियन की अहम भूमिका रहती है। सैंपलिंग के दौरान टेक्नीशियन पीपीई किट पहनकर काम करते हैं, जो कि एयर और वाटर प्रूफ होने के कारण गर्मी के मौसम में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए डीआरडीओ रक्षा प्रयोगशाला की ओर से विशेष रूप से तैयार किए गए जैकेट उनके लिए राहत लेकर आए हैं। इन जैकेट में जेल फॉर्म में लिक्विड आई पैक के रूप में मौजूद रहता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता। मंडा ने बताया कि लैब टेक्नीशियनों के लिए ये विशेष रूप से तैयार किए गए जैकेट उपलब्ध करा दी गई है, ताकि ये बेहतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे सके। पहले हम 50 सैंपल में भी हमारी हालत खराब होती है, आज लगभग 250 सैंपल लिए हैं, फिर भी हमें अच्छा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है और गर्मी से मतलब काफ़ी निजात मिली है इसमें, सर हुआ काफ़ी आराम मिला हमें। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।